तो अभी तक आपने जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उन पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि 2.2√3 से पास होती है और वह लाइन एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाती है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको एक्स वाई प्लेन पे देखें तो यह लाइन होगी L जो कि 2.2√3 से पास होती है और हमें क्वेश्चन में यह भी गिवन है कि यह एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बनाती है। तो सबसे पहले हम इस लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं और हमने पढ़ा है कि जो स्लोप होता है वह टैन थीटा के बराबर होता है, जहां पे थीटा जो है वह पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है जो कि वह लाइन बनाती है। तो इस लाइन के लिए स्लोप हो जाएगा m इज इक्वल टू टैन 75 डिग्री। अब अगर हम टैन 75 डिग्री को सॉल्व करें तो वह कुछ इस प्रकार सॉल्व किया जा सकता है, जहां पे m की वैल्यू आ जाएगी √3 + 1/√3 - 1। अब हमने यहां पर देखा कि हमें लाइन का स्लोप मिल चुका है और हमें यह भी गिवन है कि वह लाइन 2.2√3 से पास होती है। तो हमने पढ़ा है कि यदि कोई लाइन x0, y0 से पास हो और उस लाइन का स्लोप m गिवन हो तो उसके लिए इक्वेशन हो जाती है y − y0 = m(x − x0)। यहां पर अगर हम कंपेयर करें तो हमें x0 मिल जाएगा 2, y0 मिल जाएगा 2√3 और स्लोप हो जाएगा √3 + 1/√3 - 1। तो अब हम इन सभी वैल्यू को लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा y − 2√3 = √3 + 1/√3 - 1 × x − 2, जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पे हमें वैल्यू मिलेगी √3 + 1 of x − √3 - 1 of y = √3 − 6 + 2√3 + 2, जिसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो हमें मिल जाएगा √3 + 1 of x − √3 - 1 of y = 4√3 - 1 और यही लाइन की इक्वेशन होगी।